ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। अभी सिंह जी नमस्कार। थैंक यू सर, इस पीड़ा को आपने उठाया है सर, आज हम निराश्रितों के लिए एक पीड़ा समान आप अभिभावक के रूप में जुड़े हैं सर। सबसे बड़ी पीड़ा है सर, इन 10 सालों में अगर सरकार ने हमें अपने अनुबंध में ये भराया होता कि हम आपको नियमित नहीं करेंगे, आपका मानदेय 10 साल तक 7,000 रखेंगे सर, तो शायद हम ज्वाइन ही ना करते। और सर आपके माध्यम से मैं चाहूंगा सर कि इस बात को सरकार पूरे देश में लागू करे। अगर संविदा की भर्ती आप निकालते हैं तो कितने साल तक संविदा रखेंगे, कितने साल तक उनके मानदेय को आप बढ़ाना नहीं चाहेंगे सर? क्योंकि सर ये ऐसा कुआं है ना कि हम इसमें कूदना ही नहीं चाहेंगे सर। सर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों ने नहीं सर, इस समय बीजेपी सरकार भी दोहरा रही है सर, कि सर चारों तरफ से बैठ गई है घेर के सर, उसके अंदर हम 10 साल बिता चुके हैं सर। आज सर ये समय आ गया है, हम अगर इसको छोड़ते हैं तो सर घर से क्या बता के निकले परिवार बच्चों के लिए कि हम मेरे पास रोजगार नहीं है? आप स्वयं समझिए सर कि एक 10 साल का कर्मचारी उसी विद्यालय में जहां पे 17,000 पाने वाला प्राइमरी आज पड़ गया है 62,000 तक, और जो सर जूनियर के टीचर थे 45,000 सर, वो आज 87,000 का सर बॉन्ड भरते हैं जब इनकम टैक्स मार्च और फरवरी का महीना आता है सर। 8-9 सालों में सर उनकी इनकम कहाँ पहुंच गई सर? हमारे लिए महंगाई का कोई मतलब ही नहीं रह गया सर। सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि एक माह हमको वेतन नहीं देती सरकार, ये सोच के कि क्या हमारा परिवार खाना नहीं खाएगा इस एक माह के लिए? सर 10 CL दिया जाता है ना, मेडिकल का हमारे पास कोई विकल्प है सर, कोई और छुट्टी का है? कुछ साथी सर का किसी कारणवश पिता बीमार या स्वयं बीमार हो गए, विद्यालय नहीं गए, तो सर उनका वेतन नहीं मिलता, उनको सर उनकी नौकरी से त्याग पत्र के लिए मजबूर किया जाता है कि शासन से चाबुक चलता है कि आपकी संविदा समाप्त कर दी गई सर। मतलब बीमार होने का भी अधिकार आपको नहीं है। और सर आपको यकीन नहीं होगा सर, पिछले महीने मेरी तबीयत खराब थी, मैं सर अपनी जांच कराया, वो हुआ जून से लेकर सर अभी तक जाके जुलाई का वेतन सर अभी 3 दिन पहले मिला है। आप सोचिए अगस्त चल रहा है, एक परमानेंट कर्मचारी को सर 1 से 2 तारीख को अगर वेतन नहीं मिलता है हंगामा खड़ा हो जाता है, ना हमारे पास DA बढ़ता है सर, ना महंगाई भत्ता हमारे लिए कोई माने रखता है, ना सर समय से वेतन मिलता है। और सर मानदेय आप खुद सोचिए, 9,000 का इंतजार करना कोई मतलब ही नहीं होता हमारे लिए। एक सर उम्मीद बधी हुई है शायद भविष्य में कुछ अच्छा हो जाएगा, सर 10 साल बीत गया, जीवन का सर गोल्डन टाइम निकल चुका है। मैक्सिमम साथी सर 40-42 साल हो गए हैं, शादी की जो भाई हमारे बात की सर एकदम सर मेरे साथ इफेक्ट वही था सर कि कुछ अच्छा हो जाए तो शादी करूंगा अच्छा, लेकिन घर वाले भी अब साथ छोड़ रहे थे कि एज बढ़ रही है, आप नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हारे लिए कहीं प्रयास नहीं कर पाएंगे। और सर आप खुद जान लीजिए जो कर्मचारी 9,000 पाता उसके पास शादी के विकल्प क्या आ सकते हैं। और सर ये ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग प्रयास नहीं किए सर, लेकिन सर इतनी घटिया सोच की सरकार है, एक कर्मचारी सर 7 बजे आता है वही जाता है, 9 बजे 10 बजे आता है सर, क्योंकि वो परमानेंट है, उसको सर एक ही चीज हो सकती है कि शायद उस दिन का वेतन के नोटिस मिल जाए। और सर अगर एक अनुदेशक लेट हो जाता है, हेडमास्टर से लेकर सर सहायक कहते हैं सर इसकी लिखित शिकायत करिए, और सर जो अधिकारी भी आते हैं सर ना वो चपरासी से बदतर स्थिति समझते हैं, क्यों? क्योंकि तुमको 9,000 की नौकरी करनी है तो सही से रहना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो। और सर आए दिन सरकार की नीतियां सर इतनी अब खतरनाक होती जा रही है, आप सोचिए टेबलेट आ रहा है सर, वो सहायक अध्यापक जो साइन करता है एक दिन में सर 2,500 से 3,000 के चेक पे साइन करता है, जिसकी 80-82 हज़ार तनख्वाह है सर महीने की, वो एक दिन जब साइन करता है विद्यालय में आके सर उसकी 2,200-2,700 की चेक पे साइन होती है सुबह सुबह। और सर हमारे लिए सोचिए कि हम सुबह अगर 7 बजे आ गए 3 बजे तक विद्यालय में रह लिए सर, हमारा पूरा गोल्डन टाइम निकल जाता है सर, हम सर घर पे खाना खा के आराम करें उसके बाद सर किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास भी करें ना, तो सर सरकार के अनुबंध में लिखा हुआ है कि हम इस पार्ट टाइम की जॉब के अलावा कोई जॉब कर नहीं सकते सर, अगर शिकायत हो गई है हमारी सर हमारी संविदा वहीं समाप्त कर दी जाएगी। मतलब हमें और विकल्प के लिए भी चोरी छिपे ही काम करना है सर, तो आप खुद सोचिए समाज में चोरी छुपे ऐसा कोई काम है नहीं जिसको समाज स्वीकार करे। आप सर हमारे अनुबंध में साफ साफ लिखा है सर कि इस पार्ट टाइम जॉब के अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते, अगर हम अपना आधार या पैन लगा के कोई वर्क करना भी चाहे सर ना, तो हमारे दुश्मन इतने ज्यादा है हमारे विभाग के ही कि फला निदेशक ये काम भी करता है सर, तुरंत तत्काल से नोटिस रिसीव होती सर, मैं 3 नोटिस रिसीव कर चुका हूँ, इसलिए सर मैंने प्रयास करना छोड़ दिया, लेकिन सब भी सर मैं अपनी भाभी या पत्नी के पे लगा के प्रयास करता हूँ कर ले जाऊं। और सर जहां भी अनुदेशक हैं आप पता करिएगा सर, कमोबेश वो स्कूल सरकार की नजर में सर भले घटिया हैं, वो आपके विभाग की नजर में सबसे अच्छे स्कूल है सर। और सर हमारा खामियाजा 2012 के लिए सरकार में नियुक्त होना ही है, सरकार अभी भी मानती है सर कि हम सपा सरकार के नियुक्त किए गए गुर्गे हैं, उनके गुंडे हैं सर। और आप खुद सोचिए सर, सरकार के कर्मचारी किसी सरकार के नहीं होते हैं, सरकार आपकी है, कर्मचारी हम आपके हैं, किसी और के सर मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन सरकार यही मानती है कि हम सपा सरकार के नियुक्त कर्मचारी हैं सर।
और सर जिस पारदर्शिता के साथ नियुक्ति हुई ना सर, योगी सरकार ने सर हमारे सारे अंक पत्र मिलान कराए, मतलब हमारी सारी कमियां ढूंढी गई सर। ऐसा नहीं है कि हमें मर्जी पे रखा गया है सर। और सर हम लोगों ने जिस तरह की पारदर्शिता के साथ नौकरी पाई थी सर, विभाग के भी लोग और सर उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार प्रयास किया गया कहीं से भी कमियां पाई जाए, क्योंकि सर आप खुद सोचिए 9,000 पाने वाले कर्मचारी से आप जब लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाके सर, वो भी सर 9,000 तो कुछ महीने पहले से हुआ है सर। हम अनुदेशक साथियों में सर हम लोग खुद जान लीजिए कितनी बार ऐसा होता है सर 7,000 भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले में कभी लखनऊ कभी दिल्ली कभी सर अवैतनिक ले लेके सर कागज पत्र तैयार करते हैं। और सर साथियों से 500-200 मांगने भी इतनी समस्या होती है, क्योंकि सर उसी 7,000 में हर परिवार के साथ इतनी स्थिति गड़बड़ है सर कि वो इंतजार करता है कब 7,000 आएगा, कुछ उसका खर्चा चलेगा सर। आज सर जो महंगाई है आप खुद सोचिए, एक 90,000-70,000 पाए अध्यापक 25 के बाद सर स्कूल में रोता है सर कि वेतन कब आएगा, वेतन इस बार लेट हो सकता है। आप हमसे उम्मीद थे सर 2-2 महीने हमारा वेतन नहीं मिल रहा है सर। सर अगर बच्चा कोई किसी चीज की जिद करता है ना, साइकिल दिला दो कुछ करा दो, सर यकीन नहीं मानेंगे, उस मानदेय की उम्मीद देखनी पड़ती है कि इसमें यार कितना अभी क्या खर्चा मौके पे है, तब देखते हैं आगे के लिए। सर घर में बिजली का बिल है सर, एसी अगर लगाना हो ना तो यही सोचना होता सर बिजली का बिल कौन जमा करेगा, क्योंकि सर बड़े भाई ये खर्चा देख रहे हैं कि सर अगर उनसे हम एसी लगवाने और बिल की बात करें तो भी कहते हैं यार कमा रहे हो तुम भी देखो थोड़ा सा। सर स्थिति ये पहुंच गई सर कि आज आज आदमी नियमित होने के अलावा सर कोई विकल्प उसके पास नहीं बचा है। अब आप खुद सोचिए सर 40 साल की एज में अगर हम कुछ और विकल्प सोचें भी सर, तो सर 20 साल के बाद तो हम रिटायरमेंट की कगार पे आ गए ना, 62 पे तो आप वैसे भी रिटायर कर दे रहे हो। और सर हम तो ऐसी कोई सेविंग भी नहीं कर पाए आज तक कि अपने भविष्य या बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। एक नियमित का ही सहारा है कि शायद आने वाला समय ऐसा हो जाए सर कि जो अभी तक पेट काट के जिए हैं, अपनी शौक को मार के जिए हैं, बच्चों को वो शौक शायद वो दिन ना दिखाना पड़े। और सर यकीन नहीं मानेंगे सबसे बड़ी स्थिति यही खराब होती है कि वो अदना सा बच्चा नहीं समझ रहा है कि 9,000 रुपये क्या होता है पापा के लिए। और सर जैसे भी कुछ साथियों ने बताया सर कि जब स्कूल भी बच्चे पूछते हैं सर कि आप लोग सर अंशकालिक अनुदेशक इसका मतलब क्या होता है, अब सर सोचिए उसमें क्या उनको समझाएं हम कि सर क्यों हम अंशकालिक हैं। सर जीने का अधिकार सरकार ने खत्म कर दिया है सर, आगे सोचने का खत्म कर दिया है सर, बस आपके माध्यम सर यही प्रयास है कि बच्चों के हमारे भविष्य को बनाने के लिए सर हमें थोड़ा सा नियमित करें सर, बाकी कोई विकल्प नहीं हमारे पास। आपने सारी कहानी बता दी है अभी अपनी और तमाम साथियों की, आपने पिछले 3-4-5 मिनट में सारी बात एक्सप्लेन कर दी, धन्यवाद आप जुड़े। और मुझे लगता है कि आप सबकी आवाज बने यहाँ पर, जो लोग भी आपको देख सुन रहे हैं उनको महसूस हो रहा है आवाज तो आप बने सर, क्योंकि ये पीड़ा सर आप जैसा कोई अभिभावक आज आया है जो सुनना चाह रहा है सर, बाकी ये कोई सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको ये लगता है ना कि दुख ही दुख तो है, अच्छा समाधान सर किसी के पास नहीं है तो कोई सुने ही क्यों, क्योंकि सबको लगता है ना हाँ गलत हो रहा है, वो दिलासा तो क्या दे सर। आप सुन रहे हैं आप एक अभिभावक के रूप में कि आपको इस दर्द को आवाज बनना है, बाकी लोग सर अब सुनना भी नहीं चाहते हैं, यही दुर्भाग्य है अभी क्या किया। बहरहाल एक प्रयास है कि आवाज जो है वो मल्टीप्लाई होके उन कानों तक पहुंचती है जिनको आपका हित करना है या नहीं, यही देखने वाली बात होगी सर। ऐसा नहीं सर, विक्रम सर ने सर मुख्यमंत्री जी तक सर 78 बार उन्होंने ज्ञापन दिया, खबर दी सर, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, कई मंच से कई जिलों से जब उन्होंने रैलियां की लोकसभा की विधानसभा की उनके तक बात गई है, लेकिन सर बताया ना कि एक बदले और द्वेष की भावना कि आप सपा सरकार में नियुक्त है, अगर आपके कुछ अच्छा करते हैं तो इसका लाभ सपा सरकार ले जाएगी। और सर वही मैं सरकार से भी कहता हूँ आपसे भी कहना चाहूंगा सर कि कर्मचारी सर किसी सरकार कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन सर अगर और सर जो नौकर साह है बैठे हैं समस्या उनके साथ सर, वो सर सरकार को इतना मिसगाइड करते हैं कि इनके संगठन में इनके पास कुछ मतलब जो भी सर अपने स्तर से है, लेकिन मुख्यमंत्री सर खुद सन्यासी हैं, वो एक जीवन को समझना चाहिए कि परिवार क्या होता है सर, परिवार से आप नहीं है सर, लेकिन आप हमारी बात नहीं समझ रहे सर, तो हमारी पीड़ा को समझिएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं और ये वीडियो जाएगा तो जरूर इसको सुना जाएगा ऐसा मुझे यकीन है, और बाकी सुप्रीम कोर्ट तो आपकी सुनवाई चली है। धन्यवाद अभिजीत, आपने विस्तार से जो है अपनी बात रखी, और थैंक यू सर, और थैंक यू सर, थैंक यू। इसको शेयर करिएगा इस वीडियो को ताकि आप लोग की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।